प्रधानमंत्री जी चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 10 बरस में पीओके कह रहे हैं, चाइना के बॉर्डर पे सच नहीं बोल रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी का क्या भरोसा, ये तो जा रहे हैं। क्या किया आपने? पंजाब के किसानों को लाठियां बरसाई हैं, गोलियां चलवाई हैं, उसका हिसाब दीजिए। क्या गुनाह था उनका? विरोध ही तो कर रहे थे, लेकिन विरोध आपको पसंद नहीं आता। एको हम द्वितीयो नास्ति, ये मिजाज है आपका प्रधानमंत्री जी। चुनाव के समय आप क्या सब बोलने लगते हैं, टोटी खोल लेगा, बिजली काट देगा, भैंस ले जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी की जुबान है। दुनिया में किसी को सुना है किसी देश में चुनाव में वहां का बड़ा नेता ये बोल रहा, टोटी खोल लेगा, बिजली काट देगा, भैंस ले जाएगा? प्रधानमंत्री जी आपकी बातें हल्की हो रही हैं। पहले तो हिसाब दीजिए, किसानों पर लाठियां किसने चलवाई, गोलियां किसने चलवाई? उतने किसानों की शहादत से आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा? इसका मूल्यांकन करिए, स्वमूल्यांकन करिए, जिसे कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन, फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद को अब परमात्मा मानने लगे हैं, तो उन्होंने कहा हे भगवान आपने कैसा इंसान भेजा, ये सिर्फ 22 लोगों के लिए जीता। नहीं देखिए, उन्होंने जब उसको उससे इतर में एक बात आपको कहता हूं, अगर आप ये बात कहते हैं कि परमात्मा ने आपको भेजा है, तो आपको डॉक्टर के पास ले जाया था। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक चीज होती है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर फेनोमेना है। प्रधानमंत्री जी के अंदर ये घर क्यों कर गया है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब मेरे माता पिता से दूर रहिए, मेरी लड़ाई आपसे है। लगातार अरविंद केजरीवाल माता पिता से, ये हर जगह ये हो रहा है, अरविंद जी के साथ हो रहा है। हेमंत जी जेल में क्यों, कल्पना जी जो घर में बंधी हुई थी उनको बाहर आना पड़ा, क्योंकि आदिवासी अस्मिता का सवाल है। तो आपने तो एक ऐसी गोटी बिछाई थी कि विपक्ष का कोई व्यक्ति कैंपेन ना कर सके। ये कौन सा मुल्क बना रहे हैं? वो कोरिया वाला मॉडल है क्या, किम जोंग वाला या पुतिन वाला मॉडल? ये मॉडल हिंदुस्तान का मॉडल नहीं हो सकता। उसी संदर्भ में अरविंद जी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 10 सालों में एक संयुक्त और स्थिर सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की। संयुक्त भी बनेगी, स्थिर भी बनेगी, बेहतर प्रधानमंत्री होगा जो लोगों की थाली, उनके सुख दुख, उनके रोजगार की बात करेगा, जो आसमानी मुद्दों की बात नहीं करेगा, हकीकत में क्या लोगों को चाहिए उसकी बात करेगा। और इस देश को आज की डेट में मलहम की जरूरत है, जख्म पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। ये नमक छिड़कने वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग हैं, ये अग्निशामक की राजनीति नहीं करते। विपक्ष अग्निशामक की राजनीति करता है, ये बड़ा फर्क है। हम नौकरी की बात करते हैं, वो टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा। बताइए कहीं तुलना है? हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ताज्जुब होता है। तेजस्वी ने रोजगार की बात की है और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, हमें वोट दे। ये तेजस्वी जी को अब कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं जहां जहां जा रहा हूं ये किताब चल रही है, 24 के 24 वचन। ये क्यों हुआ? 17 वर्षों में तो नहीं हुआ था? जिन 17 महीनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वविवेक से निर्णय लेते थे, वो हमारे पास आए थे कि हमारी पार्टी को बीजेपी वाला सब तोड़ रहा है, इनकी एकमात्र शर्त गिव मी फ्री हैंड इन नौकरी, और वो मिला। और आज आप किसी भी गांव में जाइए, लोग नौकरी मतलब तेजस्वी बोल रहे हैं। कितनों प्रोपेगेंडा कर ले बीजेपी वाले, जेडीयू वाले, कुछ हो नहीं रहा है। सरकार तो वही चाहिए ना। मंदिर में भी जो जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजा में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, अपने पेट के साथ जाता है। जब पूजा अर्चना इबादत के बाद लौटता है तो उसके पेट को खाना चाहिए, उसको सिलेंडर 500 रुपए का चाहिए, उनकी बहनों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलना चाहिए, उनके उनके परिवार में नौकरी मिलनी चाहिए। ये मुद्दा है और ये मुद्दा घर घर पहुंच गया। आज अमित शाह कल फिर प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में, देखिए वो सिर्फ दौरे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं हम लोगों को कि प्रशासन को मैनिपुलेट करने को कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, खास करके उन सीटों पर जहां छोटे मार्जिन में चीजें होने वाली है। तो हम तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहेंगे और अभी भी कह रहे हैं कि तमाम अपने अधिकारियों से कहते हैं, संविधान से चलिए, विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए,
किसी के दबाव में नहीं, क्योंकि दबाव डालने वाले जाने वाले हैं। उसके बाद आपको रहना है, संविधान के साए में रहना है, रूल ऑफ लॉ के साए में रहना है। सो सचेत रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।